UPPCL में अकाउंटेंट कलर की रिक्वायरमेंट आई है गैस, मैं बता दूँ गैस, अभी काफ़ी सारा और भी वैकेंसी आएगा, मेरे साथ बने रही है अगर इसी तरह, ठीक है गैस। जाहिर सी बात है, जब कोई वैकेंसी आती है तो बच्चे के मन में एक थॉट, एक डॉट जरूर होती है। इस वीडियो में आप लोग लास्ट ईयर कटअप नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे पास ऑफिशियली कटअप नहीं है। अगर ऑफिशियली आप लोग जाके देख सकते हैं उसके वेबसाइट पे, मुझे नहीं मिला, इसीलिए बहुत ऐसे बच्चे का प्रश्न आ जाता है कि सर लास्ट ईयर कटअप क्या होगा, ठीक है। सो देखते हैं आगे की ओर, एक बच्चे के मन में थॉट, एक डॉट होता है कि लास्ट ईयर कटअप, टेलीग्राम, ये सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम डेट, सैलरी वगैरह वगैरह, काफ़ी सारा एक डॉट होता है, ठीक है। सो देखते हैं आगे की ओर। इससे पहले आप लोग न्यू हटे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना गया, सब्सक्राइब इसलिए करना, कई सारा मैं जॉब अपडेट्स से रिलेटेड मैं वीडियो लाता रहता हूँ, ठीक है। और विद प्रीवियस ईयर अगर मेरे पास अवेलेबल हो तो मैं वो भी कोशिश करता हूँ प्रोवाइड करने की। मैं एक दो दिन में ये भी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा कि इसमें जॉब लग जाना तो बेसिकली कौन सा काम करवाया जाएगा आप लोग से, ठीक है। सो देखते हैं आगे की ओर गाइस। बस मैं एक बात बताऊँ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ पे जाके जुड़ जाइएगा, ठीक है। और सरकारी जॉब वाले पोर्टल में भी जाके जुड़ जाइएगा। एक बात मैं बता दूँ गैस, इसका फॉर्म, इसका एप्लीकेशन का जो फी है बहुत ज़्यादा है, 1,000 रुपया है। अगर आप लोग जनरल है या आप लोग यूपी का फॉर्म है तो जाहिर सी बात है बिहार के बच्चे फॉर्म फिल करेंगे, झारखंड के बच्चे कुछ फॉर्म फिल करेंगे, दिल्ली के कुछ बच्चे फॉर्म फिल करेंगे, अदर स्टेट के, उत्तराखंड के बच्चे फॉर्म फिल करेंगे, तो उस सबके लिए 1,000 ही लगेगा। एसटीएससी के लिए 700 रुपये लगेगा। एज मैं अभी ही बता देता हूँ, जो एज वगैरह का प्रिफ्रेंसेस एसटीएससी वाला का जो भी है, ये सब एक नॉर्मल बात है, ठीक है, ये सब को मिलेगा, ठीक है। मैं ये सब डिस्कशन नहीं करूंगा, जो फैक्ट बात है वो डिस्कशन करूंगा गाइस, ठीक है। और एप्लीकेशन फी आप लोगों का 16 तारीख से स्टार्ट हो, 6 तारीख से स्टार्ट हो गया और 27 तारीख तक लास्ट डेट है, ठीक है। 27 तारीख जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग फॉर्म फिल कर दें, क्योंकि यूपी और थोड़ा सा बिहार का वेबसाइट थोड़ा सा सर्वर प्रॉब्लम हो सकता है, हाल ही का टाइम काफ़ी अच्छा है, उम्मीद होने का कम है, संभावना है, ठीक है। ओ हो सकता है डेट कम है क्योंकि बहुत अच्छे बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप गाइस बात करें इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी की हम बात करें, इससे पहले मैं बता दूं कि मिनिमम 21 साल है आप लोगों के पास, 21 साल होने चाहिए क्योंकि यूपीपीसीएल एग्जाम कंडक्ट करवाई गई, ठीक है। और बैचलर डिग्री, और अच्छा कॉमर्स वाले बच्चे एलिजिबल हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कॉमर्स वाले जितने बच्चे हैं वही एलिजिबल है, टाइपिंग भी आनी चाहिए हिंदी में 30, ठीक है। अब मैं एक दो वीडियो, एक दो और इससे रिलेटेड हो सकता है तो मैं लाऊंगा, ठीक है। हाल ही का एक वीडियो तो 100% लाऊंगा कि इसमें जॉब लग जाएगा बेसिकली कौन कौन सा काम आप लोग को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 102 वैकेंसी टोटल किसमें कितना है, ठीक है। हो सके तो प्लीज़ शेयर भी किया कीजिए, आप लोग शेयर नहीं करते हैं गैस, तो सो जितना एक दो फ्रेंड के पास एटलीस्ट शेयर कर ही दीजिएगा। इसमें एक नोटिफिकेशन है गैस, ठीक है। और मैं इसमें जो फैक्ट बात है मैं वही कोशिश करूँगा आप लोगों को बताने का। जाहिर सी बात है इसमें दो एग्जाम होगा, प्रथम और द्वितीय एग्जाम होगा, जो यहाँ पे आप लोग को कुल मिला के यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वेतन भी दे दिया गया है, 27,000 से 86,000 तक दे दिया गया है, ठीक है। अब प्रथम एग्जाम क्या होगा, सीबीटी के माध्यम से होगा गैस, ठीक है। आपको टाइपिंग जो मैं बता ही दिया था यही कुछ लिखा गया है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि एग्जाम दो चरण में होगा, प्रथम और द्वितीय चरण में होगा। ऐसा वाला एग्जाम होगा जिसका आपका उस सेकेंड एग्जाम में आप लोगों का वैल्यू नहीं होगा, यहाँ पे पूरा एकदम आप लोग हिंदी में पूरा लिखा हुआ है, आप लोग भी पढ़ सकते हैं गैस। मैं बता देता हूँ इसमें लिख क्या लिखा हुआ है कि दो भाग में एग्जाम होगा। इसमें आप लोग कंप्यूटर बेसिस पे एक 50 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाएगा, इसमें निगेटिव मार्किंग भी है गैस, ठीक है। मतलब 4 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो 1 नंबर आप लोग का कट जाएगा, ठीक है। और ये कंप्यूटर के आपका जाहिर सी बात है जब अकाउंटेंट का काम होते तो कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, कुछ ये आप लोग का होगा, ठीक है। और जो बच्चा आपका इसमें मिनिमम 50% आप लोग को लाना ही है, ठीक है। अगर इसमें एक चीज़ और मैं बता दूँ गैस कि सबसे पहले क्या है कि इस सीबीटी में जो सीबीटी सेकेंड में बैठेगा, ठीक है, एक सीट के लिए कम से कम 3 बच्चा को चयनित करेगा, मतलब 3 बच्चा को सिलेक्शन करेगा, ठीक है। और इसमें बात करें सीबीटी 2 की क्या होगा, सीबीटी 2 में भी कुछ नेगेटिव मार्किंग वगैरह कुछ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सीबीटी 2 का है, ठीक है। और सीबीटी 1 का क्या गया, क्या दिया गया है इसमें जो लिखित क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे प्रथम भाग में DOCACC MCC स्तर कंप्यूटर के ज्ञान से संबंधित पर्सन होगा, ठीक है। मतलब इससे रिलेटेड आप लोग का और पर्सन होगा, ठीक है। और 50% होगा, 1 नंबर का 1 अंक होगा, अर्थात 50 अंकों का होगा, ठीक है। गलत होने पे 1/4 होगा कटौती, ठीक है। प्रथम भाग में 50% लाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे पूरा बेसिक रूप में लिखा है, फिर द्वितीय मूल्यांकन मतलब सेकेंड एग्जाम में आप लोग नहीं बैठ सकते हैं। अब द्वितीय भाग में क्या हो सकता है, तो उसमें भी निगेटिव मार्किंग वगैरह है, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन वगैरह यहाँ पे रहेगा, 75 नंबर का देखते हैं, यहाँ पे टोटल 75 क्वेश्चन रहेगा। और अधिकतम कितना नंबर होगा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अंगणित होगा, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा और अकाउंटेंट से सामान्य ये सारा होगा। अब हिंदी के लिए क्या आप लोग पढ़ सकते हैं, सामान्य आगे इंग्लिश के लिए तो हमें बताऊँ नीतू मैम के बेसिक बुक सफिशियंट है। अंगणित के लिए आप लोग आरएस अग्रवाल आता है, या आप लोग राकेश यादव का भी पढ़ सकते हैं, अवनीश सर का भी पढ़ सकते हैं, या इससे पहले कोई और टीचर का पढ़ते हैं तो मोर देन वही सफिशियंट है, ठीक है। और हाँ, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा होगा, ये चीज़ याद रखेगा, क्यों, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का है तो याद रखिएगा क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा होगा, ये नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़ लिए इससे काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। अकाउंटेंट से रिलेटेड मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं एक अकाउंटेंट बैकग्राउंड का स्टूडेंट नहीं हूँ, सो अकाउंटेंट रिलेटेड आप लोग खुद देखेंगे या किसी और का आप लोग से हेल्प ले लेंगे, ठीक है।
सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 25, 50 और 75, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितने कितने परसेंट रहेगा यहाँ पे। तो कुल मिला के यहाँ पे बात करें अधिकतम अंक 150 नंबर का होगा, कुछ ये बात आप लोग का लिखा गया है गाइस। अब यहाँ पे मैं बात करूँ यहाँ पे तीन गुना वगैरह, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये पूरा बेसिक रूप में लिखा है। इसे आप भी अगर 5 मिनट पढ़ेंगे ना टाइम सही से, तो मुझे आपको भी मतलब पूरा तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ ये था, मैंने बता दिया था ना सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एग्जाम होगा, दो एग्जाम होगा, फर्स्ट सेकंड देन आप लोगों का सिलेक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे आयु वगैरह लिखा गया, ये सब कुछ नहीं लिखा, बाकी आरक्षण वगैरह जो भी है मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। तो ये इस नहीं है, नॉर्मलाइजेशन भी होगा इसमें, याद रखें नॉर्मलाइजेशन भी होगा, मतलब एक एग्जाम एक बार में नहीं होगा, मतलब एग्जाम कम से कम 2, 3, 4, 5 मतलब फॉर्म के अकॉर्डिंग काफी टाइम चलेगा, इसीलिए नॉर्मलाइजिंग का भी सिस्टम दिया गया है जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम है, ठीक है। सो गैस मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैं आप पूछेगा कि बच्चे सर एग्जाम कब तक होगा, देखो गैस इसका आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिए, और इसके बाद फॉर्म फिल करने के बाद कम से कम 7-8 महीना भूल जाइए। क्यों आप पूछे क्यों सर, क्योंकि ऑलरेडी कई सारा फॉर्म एग्जाम क्या होता है कि UPBCL का एग्जाम तो फॉर्म तो भरा लेता है बट एग्जाम जल्दी नहीं लेता है, कुछ ये इनका केयरलेस है। बाकी बात अगर आप कुछ भी ऐसा ऑफिशियल अपडेट आता है तो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से देने का, ठीक है। तो आप लोग बेल आइकन दबा कर रखना, क्योंकि मैं कई सारा फॉर्म देखा हूँ बच्चे का मैसेज सर एग्जाम नहीं हुआ, और पीछे भी कई सारे एग्जाम रुकी हुई है गैस, तो पीछे पहले एग्जाम होगा तब आप लोग का एग्जाम होगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम का लो आप लोग टेंशन ना ले, बाकी हाँ पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना कि हाँ भाई एग्जाम अब नहीं होगा तो पढ़ना नहीं, ये आप लोग की सबसे बड़ी गलती होगी। तो पढ़ाई हमेशा चालू रखें, ठीक है, पढ़ाई कभी छोड़ना नहीं है, हरगिज नहीं, ठीक है। तो उसका एग्जाम भाई कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, मतलब कल परसों तो हरगिज नहीं हो सकता है, 3 मंथ से पहले तो कुछ भी नहीं हो सकता है, आफ्टर 3 मंथ के बाद भी कुछ नहीं होगा, कम से कम 7-8 महीना तो इसका लग ही जाएगा, ठीक है। सो कुछ ये था, आई होप मुझे लगता है इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों के पास बहुत कुछ बताने की कोशिश किया हूँ, आई होप समझ आप लोग बहुत कुछ समझे भी होंगे। सो शेयर जरूर कीजिएगा, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।